हेलो एंड वेलकम वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ वेल्डिंग के कुछ बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज हम जो देखेंगे वो है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या है पहले जान लेते। तो बेसिकली अगर आपको कोई कहे व्हाट इज़ वेल्डिंग, तो वेल्डिंग आप बेसिकली एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग क्या है, द वेल्डिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मैटर बाय फ्यूशन। फ्यूशन बेसिकली जो फ्यूशन है वो फ्यूशन मीन्स जो हीट, ठीक है। तो हीट जो होता है वही है फ्यूशन। ये जो हीट है हम लोग ब्लैक स्मिथ फायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और केमिकल रिएक्शन, तो इस चीज़ों से हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं, मतलब फ्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और क्या विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यस, कुछ टाइप ऑफ वेल्डिंग में आप एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से हो जाएगा, कुछ टाइप पे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर नहीं लगेगा। विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ फिलर मेटल, तो फिलर मेटल जो होता है तो वो किसी किसी में लगता है, मतलब किसी किसी में यूज़ होता है और किसी किसी टाइप पे नहीं यूज़ होता है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हर एक एग्ज़ाम में आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड ऑफ सेम मेटल इज कॉल्ड। तो अगर आपको कहे कि सेम मेटल है, फिलर रॉड है, हेल्प से हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग होमोजेनियस वेल्डिंग, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस वेल्डिंग अगर सेम हो, ठीक है, अगर सेम हो तो सिमिलर मेटल और विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड, ठीक है, फिलर रॉड ऑफ सेम मेटल हम लोग कह सकते हैं होमोजेनियस वेल्डिंग। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डिसिमिलर मेटल यूजिंग फिलर रॉड इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस वेल्डिंग। तो डिसिमिलर मेटल अगर हो, मान लीजिए दो अलग अलग मेटल है हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये विथ फिलर रॉड वह इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस वेल्डिंग। और एक टाइप का वेल्डिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल बाई मेल्टिंग द एज टूगेदर विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल। तो हम लोग पहले ही वेल्डिंग का डेफिनेशन देख चुके हैं कि विथ और विदाउट द यूज ऑफ फिलर रॉड। तो ये तो दो टाइप का था, वो दो टाइप किस था, दो टाइप में विथ फिलर रॉड था और इसमें विदाउट फिलर रॉड। तो फिलर रॉड विदाउट होने से कैसे हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, मेल्टिंग द एज टुगेदर। तो ये जो है एज को हम लोग मेल्ट करके हम लोग, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोजेनियस वेल्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद एडवांटेज में आते हैं, एडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो बेसिकली वेल्डेड जॉइंट प्रोवाइड मैक्सिमम एफिशिएंसी, बेसिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब 100% एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वेल्डेड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। द वेल्डिंग स्ट्रक्चर आर नॉर्मली लाइटर देन रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ज्वाइनिंग हम लोग किस स्टेप से कर सकते हैं, रिवेटेड जॉइंट होता है, बोल्टेड जॉइंट होता है। तो वेल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइटर होता है, ठीक है, रिवेटेड स्ट्रक्चर और बोल्टेड स्ट्रक्चर से लाइटर होता है, इसलिए हम लोग वेल्डिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समटाइम द मेम्बर्स आर सच ए शेप दैट दे एफोर्ड डिफ़िकल्टी इन रिवेटिंग बट दे कैन बी ईजिली वेल्डेड। मान लीजिए कोई सर्कुलर टाइप का जॉब हो, मतलब सर्कुलर स्टील पाइप्स, तो उसमें आप रिवेटेड और बोल्टेड ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डेड करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एट एनी पॉइंट, यस, ये क्या है, ये एनी पार्ट में कर सकते हैं और एनी पॉइंट पे हम लोग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग टेक लेस टाइम देन द अदर टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या, ये कम टाइम लेता है, ठीक है, लेस टाइम देन अदर टाइप्स ऑफ जॉइनिंग। तो अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज।
तो डिसएडवांटेज क्या है, सिंस देयर इज एन अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग फैब्रिकेशन देयर फॉर द मेंबर्स में गेट डिस्टॉर्ट और एडिशनल स्ट्रेस में डेवलप। जी हाँ, आपको पता है कि हीटिंग होगा तो हीटिंग होने से क्या होगा, हीटिंग और कूलिंग होगा तो जो मेंबर है मतलब जो मेटल है वो क्या हो, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कूलिंग करते रैपिड कूलिंग करते और ये करते तो चेंज ऑफ शेप हो सकता है, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है, इट रिक्वायर्स ए हाईली स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन। तो बेसिकली ये जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग एक डिफ़िकल्ट वर्क है, हम लोग अगर ट्रेन नहीं होता है तो वेल्डिंग नहीं कर सकता, तो इसीलिए हाईली स्किल्ड लेबर लगता है और इसका जो सुपरविजन करता है, ठीक है, सुपरविजन भी हाईली स्किल्ड रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, द जिग्स एंड फिक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द पार्ट्स इन पोजीशन। तो किसी किसी टाइप का वेल्डिंग में होल्डिंग डिवाइस के तौर पर जिग्स एंड फिक्चर लगता है, और ये जो जिग्स एंड फिक्चर है ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। और क्या है, द इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग वर्क इज मोर डिफिकल्ट देन रिवेटिंग और बोल्ट वर्क। यस, अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो ये डिफिकल्ट है कंपेयर टू रिवेटिंग और बोल्ट वर्क। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन वेल्डिंग। तो बेसिकली वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन हम लोग टू टाइप से होता है, ठीक है, टू टाइप में हम लोग वेल्डिंग को डिवाइड करते हैं, एक है प्रेशर वेल्डिंग और एक है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो बेसिकली प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग फोर्ज वेल्डिंग भी कह सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पर जो वेल्डिंग होता है विदाउट एडिशनल फिलर मेटल। ठीक है, तो प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग और एक जो है वो हीट क्रिएटेड बाय, तो उसमें भी हीट क्रिएट होगा, तो हीट क्रिएटेड बाय तीनों हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक है ब्लैक स्मिथ फायर, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा है फ्रिक्शन। तो जो ब्लैक स्मिथ फायर है उसमें हम लोग एक ही टाइप का वेल्डिंग होता है, ब्लैक स्मिथ फोर्ज वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, रेजिस्टिंग वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑफसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग और प्रिकॉशन वेल्डिंग, ये चीज़ें आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आ जाता है। और फ्रिक्शन में एक फ्रिक्शन वेल्डिंग है। और जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग में बेसिकली जो एडिशनल जो फिलर मेटल है वो हीट होता है, तो हीट होकर मोल्टेन होता है, मोल्टेन होते होके वो जो गैप है वेल्डिंग गैप मतलब वेल्डिंग वो कर देता है, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो जॉइंट हो जाता है। तो इस टाइप का जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग है वो हीट क्रिएटेड बाय बेसिकली थ्री टाइप से होता है, इलेक्ट्रिक आर्क, गैस और केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक आर्क में क्या क्या आता है, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग और स्टर्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और जो गैस वेल्डिंग है वो क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन में हम लोग को आ जाएगा थर्मिट वेल्डिंग। और जो इनर्ट गैस वेल्डिंग है उसको भी हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और दूसरा है मेटालिक इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो अब जो देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो वेल्डेड जॉइंट में पहला जो चीज़ है वो है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या है, द लैप जॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाई लैपिंग द प्लेट्स एंड देन वेल्डिंग द एज ऑफ द प्लेट। दोज जॉइंट्स आर एम्प्लॉयड ऑन प्लेट्स हैविंग थिकनेस लेस देन 3 mm। तो ये जो 3 mm के जो थिकनेस है उससे कम होगा, ठीक है, तो इसे को हम लोग लैप जॉइंट कर सकते हैं। तो लैप जॉइंट बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, सिंगल ट्रांसवर्स में मैं यहाँ पर मार्क कर चुका हूँ, सिंगल ट्रांसवर्स, ऐसे दोनों जो हम लोग को दोनों प्लेट और दोनों प्लेट रहेंगे उसको हम लोग वेल्डेड करना है। तो दिस टाइप एक अगर होगा, ठीक है, एक स्पॉट में अगर वेल्डिंग होता है तो सिंगल ट्रांसवर्स, दोनों अगर हो जाता है तो मैं यहाँ पर भी और एक सेक्शन ड्रॉ किया हूँ, तो ये वोल्ड हो रहा, इस टाइप भी वोल्ड होगा नीचे, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन ये जो है,
तो हम लोग इसको कहते हैं डबल ट्रांसवर्स। और जो पैरेलल ट्रांसवर्स है वो ये साइड नहीं होगा, दूसरा साइड होगा, ठीक है, पैरेलल ये और ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल ट्रांसवर्स। ये है लैप जॉइंट। तो दूसरा जो है वो है बट जॉइंट। तो बेसिकली बट जॉइंट क्या है, बट जॉइंट इज ऑब्टेन बाय वेल्डिंग द एंड्स और एजेस ऑफ द टू प्लेट्स व्हिच आर एप्रोक्सीमेटली इन द सेम प्लेन विथ ईच अदर। देखिए ये सेम प्लेन में है, ठीक है, दोनों मेटल है, दोनों प्लेट है, उससे मिडिल पे हम लोग बट जॉइन करते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर बट होगा, ये स्क्वायर भी है, देख सिंगल भी है, सॉरी सिंगल भी मतलब एक भी शेप टाइप, ठीक है, ये डबल भी, ये एक भी और ये भी, ये सिंगल यू और ये डबल यू, तो ये है बट जॉइंट। इसके बाद हम लोग को कॉर्नर जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट देख पा रहे हैं आप, एट जॉइंट है, एट जॉइंट से भी वेल्डिंग कर सकते हैं, और एक है टी जॉइंट। तो बेसिकली ये जो फाइव टाइप्स ऑफ जॉइनिंग है मतलब वेल्डेड जॉइंट हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे वेल्डिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स और इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो पहले जो आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक प्रेशर वेल्डिंग है, ठीक है, बेसिकली हम लोग किसको प्रेशर वेल्डिंग भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली जॉइनिंग माने शीट मेटल जॉइनिंग, अगर आप शीट मेटल कर सकते हैं जॉइनिंग, ठीक है, और वायर इस टाइप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस में ये काम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ प्रेशर वेल्डिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इन दिस केस वेल्डिंग हीट इज ऑब्टेन एट द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड वेल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जहाँ पर हम लोग का वेल्डिंग हीट चाहिए मतलब वहाँ पर ही वेल्डिंग हीट जनरेट होता है, किससे, बाय द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से द अमाउंट ऑफ हीट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल पीस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय एच इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी। तो बेसिकली हीट जो जनरेट होगा वो उसका जो फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। तो इससे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर टर्म क्या है, करंट, आई मीन्स करंट, एच मीन्स हीट, आर मीन्स रेजिस्टेंस, और टी क्या है, सिंपल टी इक्वल टू टाइम, ठीक है सर, टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इन सेकेंड में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा उसका टाइम। तो बेसिकली जो आप देख सकते हैं कि आई स्क्वायर मीन्स करंट का स्क्वायर। तो करंट अगर हम लोग को ग्रेटेस्ट मिलना चाहिए तो ये एक हीट का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी और आपको सही हीट चाहिए तो आपको किस चीज़ में जोर देना पड़ेगा, करंट पे। तो करंट पे हम लोग इसलिए रेगुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसका ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, मतलब उसका ही एक क्लासिफिकेशन में आता ही है, वो है स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग क्या है, द स्पॉट वेल्डिंग इज़ यूज फॉर वेल्डिंग लैप जॉइंट्स। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि लैप जॉइंट के अंदर ही स्पॉट वेल्डिंग हो सकता है। जॉइनिंग कंपोनेंट्स मेड ऑफ प्लेट मटेरियल हैविंग 0.025 mm टू 1.25 mm इन थिकनेस। तो ये जो है, ये जो स्पॉट वेल्डिंग है इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, 0.025 mm से 1.25 mm। ओके, द प्लेट्स टू बी जॉइंट टुगेदर आर प्लेस्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड टिप्स ऑफ कॉपर और कॉपर एलॉय। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोड टिप्स किसका होता है इन स्पॉट वेल्डिंग। तो आंसर होगा कॉपर और कॉपर एलॉय। ए लो वोल्टेज हाई एम्पियर करंट इज पास बिटवीन इलेक्ट्रोड कॉजिंग द मेटल टेम्परेचर इज टू बी राइज्ड टू वेल्डिंग टेम्परेचर। तो मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ कि वेल्डिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा, एच इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी। तो आई क्या होगा, करंट, तो हाई एम्पियर करंट आपको चाहिए हीट जनरेट के लिए करने के लिए, तो इसीलिए इसमें भी हाई एम्पियर करंट इज पास्ट। ओके,
The spot welding is used for welding most of the ferrous and non-ferrous alloy. तो ये है स्पॉट वेल्डिंग. तो स्पॉट वेल्डिंग देख लेते हैं पिक्चर कैसे होगा. तो देख लेते हैं, देखिए. तो ये जो है ये क्या है, ये है स्पॉट वेल्डिंग का जो मशीन है ये है. और बेसिकली जो जॉब है, जॉब कहाँ पर होल्ड किया जाता है, जॉब यहाँ पर रखा जाता है. रखा जाता है मतलब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे लैब ज्वाइन करके जॉब को वेल्ड किया जाता है. ये है स्पॉट वेल्डिंग मशीन, ठीक है. और ये क्या है, ये है स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम. यहाँ से फोर्स आ रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रोड है, दो टाइप इलेक्ट्रोड है. और वेल्डेड जो नगेट है वो वेल्ड सेक्शन है, ठीक है. और शीट मेटल है, शीट मेटल के आपको बताइए लिमिटेशन कि ये जो थिकनेस है 0.025 mm से 1.25 mm थिकनेस से स्पॉट वेल्डिंग में किया जा सकता है. तो ये है स्पॉट वेल्डिंग डायग्राम और स्पॉट वेल्डिंग मशीन. तो नेक्स्ट क्या है, रोल स्पॉट वेल्डिंग. तो रोल स्पॉट वेल्डिंग क्या है, व्हेन द स्पॉट वेल्डिंग ऑन टू ओवरलैपिंग पीस ऑफ मेटल आर स्पेस्ड द प्रोसेस इज नोन रोल स्पॉट वेल्डिंग. तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, एक स्पॉट वेल्डिंग होता है, ठीक है. और ये जो रोल स्पॉट वेल्डिंग है वो क्या होगा, रोल जैसा रोल करके स्पॉट वेल्डिंग होगा. तो दो रोलर है इसमें और स्पॉट वेल्डिंग के सेम मैकेनिज्म है. और जो सीम वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग क्या है, बेसिकली सीम का मतलब आप कभी सिलाई का मशीन और टेलर के पास जाकर देख लेना कि जो वो मशीन होता है वो क्या होता है, देखिएगा स्पॉट तरह होता है मगर कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है. तो वही है सीम वेल्डिंग. सीम का जो कॉन्सेप्ट है वही से आया है. तो सीम वेल्डिंग क्या है, इफ द स्पॉट वेल्ड्स आर सफिशियंटली मेड क्लोज सो दैट दे ओवरलैप एंड मेक ए लीक प्रूफ सीम द प्रोसेस इज सीम वेल्डिंग. तो वही बोला मैं, तो अगर क्लोज में स्पॉट वेल्डिंग होता है तो ये एक लीक प्रूफ सीम होता है, ठीक है. तो इसे हम लोग सीम वेल्डिंग करते हैं. तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग सीम वेल्डिंग देख रहे हैं. तो टू रोलर सीम इलेक्ट्रोड है और बीच में क्या है, वर्क पीस है. तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग की तरह मतलब बहुत सारा स्पॉट वेल्डिंग होता है, ठीक है. और मतलब क्लोजली, ठीक है, क्लोजली हो रहा है. तो यह इसलिए लीक प्रूफ सीम होता है, ठीक है. तो यही है सीम वेल्डिंग. मैंने पहले ही बताया हूँ कि टेलर के पास अगर आप जाएंगे तो सिलाई का मशीन को देखेंगे तो क्या होगा, वो क्लोजली सिलाई हो जाता है, ठीक है. मगर जो इम्पैक्ट होता है वो क्या है, होता है सिर्फ वन करके, ठीक है, हर एक करके इम्पैक्ट पड़ता है उसमें. तो यही है सीम वेल्डिंग. सीम वेल्डिंग में ऐसी तरह रोल होता है और ये जो इम्पैक्ट है आप देख रहे हैं वो जो लाल ये है क्या होगा, वो वेल्डिंग होता है. इसी तरह आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, वेल्ड हो रहा है कैसे, डॉट 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 करके जैसे वेल्ड हो रहा है. यही है सीम वेल्डिंग. तो अब हम देखेंगे आर्क वेल्डिंग. तो आर्क वेल्डिंग बेसिकली एक फ्यूजन वेल्डिंग है जिसमें आप फिलर मेटल का यूज़ होता है. तो बेसिकली आर्क वेल्डिंग का जो क्या है देख लेते हैं. चलिए, द आर्क वेल्डिंग इज़ अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द वेल्डिंग हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क. तो बेसिकली जो वेल्डिंग हीट है वो कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द वर्क एंड एन इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड और जो वर्क है उसको बीच में इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक आर्क से हम लोग हीट ऑब्टेन होता है और हीट से हम लोग फिलर मेटल को हम लोग गला सकते हैं. इसीलिए फिलर मेटल का डिपोजिशन होता है और उसके बाद हम लोग वेल्ड होता है. तो उसके बाद देखते हैं, द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू कंडक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अटैच टुगेदर एंड देन सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस. इसीलिए अगर आप प्रैक्टिकल में आर्क वेल्डिंग किए होगे देखिएगा, पहले टच करके हम लोग थोड़ा गैप बना रहते हैं, मतलब 2 या 3 mm का गैप. तो अगर वो गैप अगर नहीं होता है तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो और वो वेल्डिंग भी नहीं होगा. तो इसलिए
हम लोगों को इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड ज़्यादा थोड़ा ऊपर पकड़ते हैं, ठीक है, ऊपर पकड़ते हैं, तो इसलिए वो वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है। और क्या है, सच दैट देयर इज़ अ सफिशियंट वोल्टेज इन द सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द गैसियस मीडियम। तो गैसियस मीडियम मीन्स एयर, ठीक है। और क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक आर्क जो करता है हीट प्रोड्यूस, कि कितना से कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बेसिकली जो एसी के लिए है, तो एसी के लिए स्ट्राइकिंग आग ज़्यादा लगता है, मगर मेंटेन अगर करता है आपको जो इलेक्ट्रिक आग मेंटेन करना चाहिए उसमें ज़्यादा वोल्ट नहीं रखता है। जो स्ट्राइकिंग आग है वो है 200 से 440, ठीक है, वोल्ट्स स्ट्राइकिंग करने के लिए आर्क। मगर जो मेंटेन होना चाहिए, जो मतलब आप जब वेल्डिंग कर रहे हैं तब जो आर्क जो मेंटेन होना चाहिए वो 80 से 100 वोल्ट रिक्वायर रहता है, ठीक है, इसमें एसी के लिए। और डीसी के लिए क्या है, डीसी के लिए बेसिकली स्ट्राइकिंग के लिए 60 टू 80। तो स्ट्राइकिंग में क्या होता है, आर्क ज़्यादा लगता है, ठीक है, स्ट्राइकिंग में। तो स्ट्राइकिंग में डीसी के लिए 60 टू 80 वोल्ट्स, और जो मेंटेन होता है वो मेंटेन कितना लगता है, 15 टू 25 वोल्ट। तो ये है आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल, हम लोग पिक्चर में देख लेते हैं आर्क वेल्डिंग। तो बेसिकली ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है, एक ये एक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये वर्क है, और ये जो ये क्या है, सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई है, एसी और डीसी दोनों ही हो सकता है, पावर हाउस एंड कंट्रोल्स भी करता है। और एक है क्या है, एक सर्किट होता है आपका इलेक्ट्रिक केबल में, और एक होता है क्या, वर्क में, ठीक है, वर्क पीस में, ठीक है। तो जो आर्क होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोड में होता है और ये एक वर्क में होता है। तो ऐसे होता है आर्क वेल्डिंग। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, पोलारिटी इन आर्क वेल्डिंग। तो बेसिकली पोलारिटी क्या होता है जान लेते हैं। तो बेसिकली आर्क वेल्डिंग में डीसी करंट ज़्यादा, मतलब डीसी ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, डायरेक्ट करंट ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो पोलारिटी इन आर्क वेल्डिंग क्या है, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि दो टाइप का पोलारिटी होता है, एक स्ट्रेट पोलारिटी और एक है रिवर्स पोलारिटी। तो स्ट्रेट पोलारिटी हम लोग किसको कहते हैं, व्हेन द वर्क इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी वेल्डिंग मशीन एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू एन इलेक्ट्रोड होल्डर, द वेल्डिंग सेटअप इज सेड टू हैव स्ट्रेट पोलारिटी। तो अगर मान लीजिए जो डीसी वेल्डिंग मशीन जो पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रोड होल्डर रहेगा, तो इस टाइप का वेल्डिंग सेटअप को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट पोलारिटी। और जो रिवर्स पोलारिटी है वो क्या है, जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल में होगा, और जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल में होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स पोलारिटी। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आर्क वेल्डिंग का जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया हूँ, इसके बाद हम लोग मिक करेंगे, मेटल आर्क वेल्डिंग करेंगे, टिक वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, सबमर्ज वेल्डिंग करेंगे, थर्मेट वेल्डिंग करेंगे, तो बहुत सारा वेल्डिंग अभी बाकी है, तो वो उस वीडियो का मैं भी तैयार कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।